कुआं। अरे वाह। हे गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ रात में, बिकॉज आज कल यानी कि कल रात को ना मैं बहुत लेट सोया था, यानी कि सुबह ही सोया था 4 बजे, और मैं लेट ही उठा था 11 बजे के आसपास, तो जिम आज का स्किप हो गया था। फिर उसके बाद उठा और ब्रेकफास्ट ही किया, इतने में ही मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो वीडियो वगैरह एडिट करने लगा था। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल चला गया, और स्कूल से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन पे फ्रेंड के यहाँ पर, और ये रेडी हो गई है हिमलता और सिस्टर, यहाँ पर रेडी हो गई है। और ये लो आपकी बिंदी ले आया हूँ मैं, कैसे ये लो फिरोजी है। और ये रिंग लाइट का इतना फायदा हो गया ना हिमलता को, रिंग लाइट लगा कर ही अब ये रेडी होती है, बिकॉज इसमें है ना इसको कलर्स दिख जाते हैं मैचिंग के। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और मैं जस्ट आया हूँ अभी, तो मेरी रेडी होने की बारी है, और 7:30 हो चुके हैं और मुझे रेडी होना है, तो देख लो अभी तो मैं सिर्फ इसी में ही हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या पहनना है। तो मैं एकदम से एक्चुअली है ना ऑल ऑफ सडन डिसाइड हुआ कि जाना है, तो इससे पहले कुछ भी डिसाइड नहीं था, तो मैंने तुरंत हिमलता को मैसेज किया था जैसे मुझे पता चला कि हम जा रहे हैं, तो हिमलता को फिर वो रेडी हो गई थी, तो शुक्र है मैंने 5 बजे ही कंफर्म हो गया था, तो पहले ही मैसेज कर दिया था, तो रेडी हो गई है टाइम से, नहीं तो अदरवाइज ऑन द स्पॉट पता चलता और ज्यादा, तो हमें और ज्यादा देर होती। तो गाइस अभी सिलेक्ट करना है, इसमें तो आप लोगों को वैसे भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें ही हिमलता और मेरे कपड़े हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें से कौन सा सूट पहनता हूँ। तो चलो, सो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ फाइनली, और अभी हम निकल रहे हैं, और 8:30 हो चुके हैं, 1 घंटा हमें हो गया है, बिकॉज मैंने ब्लैक शर्ट में मैंने पहनने का सोचा था, फिर उसमें इतने ज्यादा रेशे चिपके हुए थे ना, वो साफ सुथरी थी ही नहीं। फिर उसके बाद एक शर्ट देखी तो उसमें बटन टूटा हुआ था, फिर फाइनली ये शर्ट निकाली, और उसके बाद फिर मैं रेडी हुआ प्रेस वेस करके। तो मैं रेडी हूँ, एक बार मेरा फुल लुक दिखा दो गाइज को, और मैंने शर्ट को बाहर निकाल दिया है, पूरा नीचे तक दिख रहा है। और ये हिमलता रेडी है, सिस्टी रेडी है, पापा ये मेरी दूसरी बार ये वाली फ्रॉक पहनने का। और ये बलून कहाँ लेके जा रहे हो? बलून नहीं लेके जा रही। हाँ तो रखो उसको, बलून लेके नहीं चलना। तो गाइस चलो क्विक चलते हैं पहले घर पे, और मम्मी को लेना है, रेनू को लेना है, तो वो साथ में चल रहे हैं, तो चलो। ये देखो गाइस बाहर वो डॉग है जो कि हमेशा उछलता कूदता आता है और आ जाता है यहाँ पर, सिस्टी के साथ खेल रहा है। कहाँ गया वो? नहीं इधर गया। आओ चलो, हम तो निकल पड़े हैं। वो भी निकल लिया। तो गाइस पहुंच गए हैं, और मम्मी और रीनू अभी आ रहे हैं, और मैं ना किट्टू से मिल के आता हूँ, बाहर ही खड़ी है वो। किट्टू आ गई देखो गाइस इसकी आंखें चमक रही है। किट्टू आजा आजा चल रहे, आजा मैं जा रहा हूँ, देखो उधर खड़ी है गाड़ी, आजा। तो गाइस फाइनली 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद पहुंची है मम्मी, रेनू, गोपाल। मम्मी अगर दिक्कत होगी पीछे आप आके आ जाओ। नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते मम्मी। चलूं? हाँ चलो चलो। तो गाइस पहुंच गए हैं, और 10 बज गए हैं, और भूख लग रही है, बिकॉज हमारा खाने का टाइम होता है 8:30 बजे हम खा लेते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं।
तो फाइनली गाइस अभी 1:15 हो गए और अब जाने का टाइम हो रहा है और सारे खूब नाचे हैं, खूब नाचे हैं। क्या कुआ? अरे वाह। हाँ लेकिन नीचे गहराई है, जाल लगाया हुआ है। सही है, तो डेकोरेशन के लिए भी ये अब बढ़िया वो बना हुआ था। चलें? चलो। या पानी भरना है आज रात कहीं से? चलो। और सबका उधर डांस चल रहा है अभी भी। अच्छा, और हम तो चल रहे हैं भाई, 1:15 हो गए और आज बहुत डांस किया, बहुत डांस किया है, मस्त। खाना छोड़ छोड़ के भाग रहे थे सारे। ये खड़ी हमारी गाड़ी और ओस हो रही है, अब ठंड बढ़ रही है। बैठो 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 बैठो, और मम्मी को विंडो के पास बैठने देना। गोपाल तू बीच में आ जा। नहीं, नहीं, कोई ना, बैठने दे। अरे पैर ऊपर कर बेटा थोड़ा सा। सिस्टी को अपनी गोद में बैठा ले गोपाल। चाचू की गोद में बैठ जाएगी मम्मी। हाँ दर्द हो जाएगा मम्मी के पैरों में। अब ठीक है बेटा, ऐसे ए ही बस यूं बैठ। हाँ चाचू की गोद में आराम से बैठ जा, अब हिलना नहीं। अब पीछे को होके ना सो जाओ थोड़ा आराम से। उधर हो जा गोपाल, बिल्कुल। इसको सिस्टी को एक टिश्यू निकाल के दे दो। सही बात है। चुन्नी में चुन्नी, ये गाना तब उसमें भी तो चल रहा था रितु की हल्दी में, तभी तो लगा था चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में। चलो जय भोले बाबा, चलते हैं अब। और भाई ओसो इतनी हो रही है कि भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब ये शीशा पहले ये सारी डाउन करनी पड़ेगी, तब खुलेगी, हवा जाएगी थोड़ी अंदर से। अंदर से नहीं है, अंदर से इतना नहीं है जितना बाहर से है। चलो लो जी पहुंच गए घर, आ गया भाई। चलो मम्मी। हाँ ठीक है बेटा, चलो सिस्टी का वो मिठाई रख दो यहीं पे खा ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ले जाऊँ मम्मी। है? ले जाओ ले जाओ मिठाई। कोई नहीं खाएगा, कौन खाएगा। हम वैसे ही जिम जाने लग गए अब, पतला होना है भाई। के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। आज मुझसे ये एक वादा कर लो, के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। तो गाइज पहुंच गए हैं स्टूडियो और रात के अभी 2 बज रहे हैं। सुबह के 2 हो गए, रात के कहाँ रह गए। सुबह के ही हो गए, 2:10 हो रहे हैं बल्कि। और सिस्टी को तो सुला दिया था, गाड़ी में ही सो गई थी सिस्टी ना। और अभी हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं और मुझे है ना अभी एडिटिंग करनी है। अब बिल्कुल ये है ना, ऐसे था ऑल ऑफ सडन एकदम से हाँ हुई है जाने के लिए, और मैं एडिटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं शाम को ही एडिटिंग कर रहा था। मतलब शाम को ही एडिटिंग करता हूँ और अभी तक कुछ भी एडिट नहीं हुआ है, और अब मुझे एडिट करना है। और सोचो 2 से ज्यादा ही टाइम तो अभी हो रहा है, और फिर मैं कब सोऊंगा, कब एडिट करके, क्योंकि अभी पूरा एडिटिंग का काम बचा हुआ है। मैंने जो प्रैंक किया था वो प्रैंक की एडिटिंग करनी है, और प्रैंक की वीडियोस है ना टाइम टेकिंग तो है ही है एडिटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। आज ना गाइस शादी में, मतलब ये शादी ऐसी रही है मेरे लिए कि लाइफ की है ना पहली शादी होगी ऐसी जो कि मैंने बाहर जाके किसी की शादी में इंजॉय किया, और है ना इतना नाचा हूं ना मैं, इतना नाचा हूं, मतलब गोपाल के साथ हेमलता के साथ आज बहुत नाचा हूं, है ना, क्योंकि हेमलता थी यहाँ पर इसलिए नाचा हूं। और पता है वहां पे जैसे हम खाना खाने लगे ना, हम गए पहले स्टेज पे, हमने गिफ्ट वगैरह दे दिया था, देन उसके बाद हम गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि मतलब इतना अमेजिंग बीट्स ऐसे
उठ रही थी ना कि इतने अच्छे अच्छे गाने वो बजा रहे थे और ढोल उसके साथ साथ में, और इतने लोग गा गा के वहां पे चल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो हमसे रुका ही नहीं गया। खाना छोड़ छोड़ के, रेनू खाना छोड़ के भाग गया, गोपाल खाना छोड़ के चला गया, फिर मुझसे भी ज्यादा देर रुका नहीं गया, फिर खाना वाना जल्दी से खत्म किया और फिर गए। मैंने बीच बीच में ये चले गए थे, मैंने वीडियो वगैरह ही बनाई। हे गाइस, सो अभी करते हैं यार व्लॉग का एंड, बिकॉज अभी सोने जाना है, चेंज करना है, और अभी हम बस बातें ही कर रहे थे तो अब सोना भी है और 2:45 हो गए हैं अब तो। और गाइज, आई नो कि ये व्लॉग छोटा बना होगा, शॉर्ट बना होगा, बस ऐसे ही आज मैंने सोचा था कि शाम को बनाऊंगा, पर व्लॉग ना मतलब ऑल ऑफ सडन ऐसे प्लान बनाना जाने का, फिर एकदम से फिर ये रहा कि मेरी एडिटिंग भी अभी इनकम्प्लीट है, अब एडिटिंग भी करूंगा चेंज करके। तो ठीक है गाइज, इसके साथ व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। होप आपने छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया हो। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा होगा कितना नहीं, बिकॉज देख एडिट करते हैं ना तभी पता चलता है कि व्लॉग कितना लंबा हुआ है एक्चुअल में और कितना छोटा हुआ है। बस थोड़ी बातें चल रही थी झगड़े की, थोड़ा सा छोटा छोटा सा खींचा खिंचाई हो गई थोड़ी सी। मुंह देख लो इसका, मुंह देख लो, सही तो है, सही है, इसको सही मुंह बोलते हैं, इसको सही मुंह नहीं बोलते, ठीक है, मुंह बना रखा है इसने, तब शादी के खाना खाने के बाद से इसने ऐसे ही कर रखा है, और रीजन मैं बता नहीं सकता। नहीं बता दो, वो भी बता दो, आप नहीं छेड़ रहे हो बात, आप क्यों छेड़ रहे हो, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आने वाले व्लॉग भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बस इंतजार है कि कैसे कैसे प्लान करना है। क्या क्या हंसी क्यों आई? ऐसे ही आई, मेरी मर्जी, हंस भी नहीं सकती तो हंसी क्यों आई, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मुझे कुछ बात सोच के हंसी आई हो तो ऐसी क्या बात है, हंस सोच के हंसी आ गई, नहीं है बताने की, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, मेरी बात नहीं, नहीं क्यों क्यों क्या कुछ नहीं, क्यों क्यों क्यों, किसकी याद आ रही है, किसके ख्याल आ गया मेरे अलावा, आ गया किसी का, किसका आ गया, आ गया बस, फालतू में क्यों वो कर रहे हो, हंसी एक मतलब हंसी नहीं आ सकती, हंस नहीं सकती मैं, हंस सकते हो पर बोलते बोलते बीच में ऐसे कैसे हंस सकते हो आप, हंसी तो ये देखो हंसी हद है, मतलब चुप रहूं तो मुंह बना रखा है, हंसूं तो हंस रही है, कैसे भी नहीं जीने दे रहे आप तो, कैसे भी नहीं जीने दे रहे, बताओ ये भी कोई बात होती है, कैसे भी नहीं जीने दे रहे, और क्या, मैं चुप बैठी थी तो मुंह बना रखा है, शक्ल मैं ही नहीं जीने दूंगा तो कैसे भी नहीं जीने दे रहे, जियो खूब मर्जी के जियो, मैं तो कौन सा वो करने वाला हूँ, कैसे भी नहीं जीने दे रहे, जीने के लिए तो लेके आया हूँ मैं, अरे कैसे भी नहीं जीने दे रहे, ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, एंड करते करते बीच में हंसे, तो मैंने कहा पता नहीं कोई बात हुई होगी, ऐसा क्या हो गया तो बीच में हंसी आ गई, पता नहीं किसकी बात याद आ गई। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए, ताकि और ऑल नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा देना, जिससे कि सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको करेक्ट 10 बजे मिल जाए, राइट। तो और फेसबुक पेज पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं हमारी रील्स सारे अपडेट्स पोस्ट अपडेट के लिए, हाँ भाई। और राजवीर वाले चैनल पे जल्दी एक वीडियो नई वीडियो आने वाली है, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो मैंने शूट कर ली है बट एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, बस एडिट करने का ही पंगा हो रहा है बस। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस।